दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, पिछले सप्ताह अमेरिका में हाइपर लूप का सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों, इसको जानने के लिए चलिए अभी हम लोग इंडिया में चलते हैं, इंडिया से अमेरिका और अमेरिका के नवादा राज्य में और नवादा राज्य के लास वेगास सिटी में। और लास वेगास सिटी में एक मरुस्थल जहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों, हाइपर लूप जिसका वर्जिन हाइपर लूप रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी जिसने सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इससे पहले ये 400 बार बिना यात्रियों के 400 बार इसका ट्रायल किया गया। इसके बाद पिछले सप्ताह में इसी वर्जिन हाइपर लूप कंपनी के CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर और इसके एक और पार्टनर के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन का पांचवा माध्यम है। यह टेस्ला के मालिक CEO इलान मस्क का आइडिया है और इसी आइडिया पर इनको यह आइडिया 2013 में आया था। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हाइपर लूप क्या है। दोस्तों, हाइपर लूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को तेज गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से गंतव्य तक पहुँचाने में सक्षम है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। दोस्तों, इस तकनीक में विशेष प्रकार के डिजाइन किए गए हैं जो कि कैप्सूल या पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यात्रियों को बिठाकर इन कैप्सूल या पार्ट्स को जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से ये पार्ट्स ट्रैक के ऊपर उठ जाएंगे, जिससे गति ज्यादा हो जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। एनवायरमेंट को, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो कि जमीन के नीचे सुरंग में या जमीन के ऊपर पुल पर चलेंगे, जिससे कि एनवायरमेंट, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं हो। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए अगर इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड 1000 से लेकर के 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, स्पीड होगी। दोस्तों, इसकी गति जापान के बुलेट ट्रेन से दुगनी होगी और अगर ये सफल हो जाता है तो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन की दूरी मात्र 30 मिनट की रह जाएगी। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत में भी लॉन्च हो गया है। इसके ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर काम जो है वो मुंबई से पुणे तक के बीच में इसका ट्रायल किया जाना है और अभी अगर मुंबई से पुणे जाएंगे में 3.5 से 3.5 घंटे लगते हैं और जैसे ही यह हाइपर लूप प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है इंडिया में तो यह दूरी मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे पूरा करने में। इंडिया में यह प्रोजेक्ट पूरा करने में 2030 तक का समय लग सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हाइपर लूप के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।